अंगुली में अंगुली मिलाते चलो, अंगुली में अंगुली मिलाते चलो। महिलाएं अंगुली झट से बोले, महिलाएं अंगुली झट से बोले। सबको राह दिखाती हूँ। सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी चलाने के लिए किराया दिया जाता है, लेकिन आशा देवी को पिछले 2 सालों से आंगनबाड़ी चलाने का किराया नहीं मिला है और 5 महीने से उनका मानदेय भी रुका हुआ है। इस कारण से उनके घर को आर्थिक तंगी का काफी सामना करना पड़ रहा है। जो सरकार की तरफ से रकम दी जाती है किराए की, आपको कब से नहीं मिली है? 2 साल से नहीं मिला। कितनी लगभग रकम है? प्रति माह 200 रुपया की दर से। 1 साल को मैडम बोली कि 1 साल को मिलेगा 200 महीना का, और जो 1 साल का किराया है वो 750 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन वो कोई भी रकम अभी तक नहीं मिली। रकम काफी कम मिलती है, वो भी 2 साल से नहीं मिली है आंगनबाड़ी चलाने के लिए किराया, तो इससे आपके जीवन में क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है मेरा जीवन में, पर असर पड़ा मेरे बाल बच्चों को, भविष्य में आने वालों को ज्यादा असर पड़ रहा है। उन लोग का खाना में दिक्कत होता है, पढ़ाई में दिक्कत होता है, कपड़ा में दिक्कत होता है। पढ़ाई के लिए फैसिलिटी चाहिए हर जगह, मतलब कि बिना बच्चा को बैग के, जूता के, कपड़ा को, कोई भी मतलब कि बच्चा घर से नहीं निकलता है, तो इतना हम जुटा नहीं पाते हैं। को किराए आंगनबाड़ी के किराए के साथ साथ मानदेय भी आपको रुक रुक के मिलता है? जी, मानदेय तो मतलब कि कभी 4 महीना पर मिलता है, कभी 6 महीना पर मिलता है, कभी 2 महीना पर मिलता है, कभी 6 महीना हो जाता है। अभी तो अक्टूबर तक मिला है, इधर तो मिलवे नहीं किया, अभी इधर का सारा पैसा बकाया है। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 50 रुपया के रोज में, 1500 रुपया। इतने कम तनख्वाह में आप अपना घर कैसे चलाती हैं? क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत होता है घर की, मैंने 50 रुपया में तो पेट नहीं भरता है। 50 रुपया तो ऐसे मैंने जो आदमी भरता हूँ तो मैं वो लोग मिलता है। आपकी क्या मांग है सरकार से? सर पहले तो बकाया है रकम हम लोग के दे दीजिए, और उसके बाद हम लोग का बढ़ोतरी किया जाए, ताकि हम लोग मतलब कि आगे चल के मेरा बाल बच्चा कुछ पढ़ लिख के आगे, आप लोग हम लोग के बुढ़ापा का कुछ सहारा हो सके। मेरे और मेरे समुदाय की मांग है कि जल्द से जल्द आशा देवी को 2 साल से रुका हुआ आंगनबाड़ी का किराया और 5 महीने से रुका हुआ मानदेय जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि CDPO के नंबर 9431005081 पर फ़ोन करके दबाव बनाए और बदलाव लाने में हमारी मदद करें। मैं आमिर, फुलवारी शरीफ प्रखंड, पटना बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।